मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ चैप्टर नंबर 7 द एडजेक्टिव। आप आज एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं, उनके काइंड्स क्या होते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली। स्वीट एप्पल, ग्रीन पैरेट, थ्री बनानास, लिटिल मिल्क। सो इन द अबव सेंटेंस इज द वर्ड स्वीट, ग्रीन, थ्री एंड लिटिल। डिस्क्राइब द एप्पल, पैरेट, बनानास एंड मिल्क। दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव। सो देखो, ऊपर वर्ड में जो आपको स्वीट, ग्रीन, थ्री एंड लिटिल दिया हुआ है, ये आपकी पिक्चर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। एप्पल कैसा है? स्वीट है। पैरेट कैसा है? ग्रीन है। बनानास थ्री है। मिल्क कितना है? लिटिल अमाउंट में है। सो ये जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, इन्हीं को आप एडजेक्टिव कहते हैं। सो दस वी कैन से द वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स द नाउंस एंड प्रनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव। जो वर्ड्स नाउंस और प्रनाउंस को डिस्क्राइब करते हैं, आप उन्हें बोलते हैं एडजेक्टिव्स। सो ऑल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव। तो सारे ही डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को एडजेक्टिव्स कहा जाता है। काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स। द एडजेक्टिव्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। एडजेक्टिव इन टाइप्स के होते हैं। नंबर वन, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नंबर वन होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वरुण इज़ अ फैट बॉय। स्तुति इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल। Deep is an honest boy. This is a black crow. So in the sentence one, the word fat, जो first sentence में fat word दिया है वो adjective है, जो क्या बताता है कि वरुण कैसा है। वरुण कैसा है? Fat है, मोटा है। Second sentence में जो word beautiful दिया हुआ है आपको, beautiful आपको बताता है कि स्तुति कैसी है। So स्तुति कैसी है? Beautiful है। थर्ड वर्ड में ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या बताता है कि दीप का नेचर कैसा है, वो कैसा है। तो दीप कैसा है? ऑनेस्ट है। देन क्रो, ब्लैक। सो फोर्थ सेंटेंस में ब्लैक वर्ड बताता है कि क्रो का काइंड कैसा है। क्रो कैसा है? ब्लैक कलर का होता है। सो द नेक्स्ट, दस वी कैन सी द एडजेक्टिव विच टेल अस व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन और थिंक इज आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो हम कह सकते हैं कि वो एडजेक्टिव जो आपको बताते हैं कि पर्सन या कोई चीज़ का काइंड कैसा है, वो किस टाइप का है, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर्स द, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आपको किसका आंसर देता है? व्हाट काइंड ऑफ, कैसी वो चीज़ है। सेकंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या बताता है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मदर बॉट सम मैंगोज। पायल हैज़ मच मनी। There is a little water in the glass. Anil has done enough work. So, in the above sentences, the adjective tells us how much of things is mean. कि कितनी चीज़ चाहिए। इन adjective को आप बोलते हैं जो how much बताता है, adjective of quantity। जैसे mangoes, mother कितने mangoes लाई? Some mangoes, कुछ। पायल के पास much money, बहुत सारे money है। There is a little water in the glass, जो glass है उसमें कम amount में water है, कम water है। अनिल के पास बहुत सारा वर्क करने को है, इनफ वर्क। ओके, थर्ड आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या बताता है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई बॉट टू स्टोरी बुक्स। उसने स्टोरी बुक्स कितनी खरीदी? टू। तन्वी हैज़ फोर डॉल्स। तन्वी के पास कितनी डॉल्स है? फोर डॉल्स। इन द अबव सेंटेंसेस द एडजेक्टिव्स टेल अस हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर। ये बताता है कि कितने पर्सन है या कोई चीज़ है। मीन्स हाउ मैनी, कितनी। स्टोरी बुक्स टू है, डॉल्स फोर है, ऐसे। ओके, सो वो होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। देन फोर, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिस बॉय इज अ थीफ। दैट एप्पल इज स्वीट। दीज बुक्स आर ओल्ड। दोज ग्रेप्स आर सो। So in the above sentences, this, that, these, those, point out the person or things. These are demonstrative adjective. So जो आपको sentences में बताया है, वो boy, वो apple, ये books और वो grapes, means point out कर रहे हैं हम किसी person को या thing को। तो जो किसी चीज़ को point out करता है या किसी भी person को, उन्हें आप बोलते हैं demonstrative adjectives. So now remember it. This and these are used for persons or things that are near us. This or these आप कब यूज़ करते हैं? आप ये उन person या चीज़ के लिए यूज़ करते हो जो आपके पास है, एक है ना, एक या एक से ज़्यादा हो।
दैट एंड दोज आप किसके लिए यूज़ करते हैं? वो पर्सन या थिंग जो आपसे दूर है. दिस एंड दैट आर यूज फॉर सिंगुलर नाउन. दिस और दैट सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ करते हैं, जो चीज़ एक होती है या पर्सन. दीज एंड दोज आप यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन के लिए, जो एक से ज़्यादा होती है. ओके सो अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइजेस. ओके अभी टू टाइप्स और बचा है, सो जस्ट वेट. इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स. अब देखो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. वॉट काइंड ऑफ अ बॉय इज इट? विच हाउस इज योर्स? हूज बाइसिकल इज दिस? सो वॉट काइंड ऑफ अ बॉय इज इट? आपसे पूछा है कैसा बॉय है, कैसा घर, कौन सा घर है तुम्हारा, ये बाइसिकल किसकी है. तो जो क्वेश्चंस पूछते हैं हम किसी से, उनको बोलते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स. सिक्स्थ वन एंड लास्ट, पजेसिव एडजेक्टिव. सो पजेसिव एडजेक्टिव समझने के लिए आप अगेन सेंटेंसेस रीड कीजिए. दिस इज़ माय वॉच, दिस इज़ हर रिबन, दैट इज़ आर स्कूल, योर पेन इज़ ऑन द टेबल. सो इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड माय, हर, आर एंड योर आर यूज्ड बिफोर नाउन्स. ये किससे पहले यूज़ किया गया? नाउन से पहले. तो हम इन्हें बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव. वॉच किसकी है? मेरी है. रिबन लड़की का है. हर. स्कूल हमारी है. पेन आपका है. राइट सो आपने नाउन के पहले इनको यूज़ किया, तो ये होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव. जो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, होस किसका है? ओके माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? पजेसिव्स के लिए यूज़ किए जाते हैं. सो नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस. क्वेश्चन नंबर ए, टिक राइट द करेक्ट आंसर. द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द. एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन एंड प्रोनाउन दोनों को करता है, हमने स्टडी किया था. सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर. वर्ड ऑनेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ऑनेस्ट किसका एग्जाम्पल है? ऑनेस्ट है वो. उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि सच्चा है. सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज द करेक्ट आंसर. द वर्ड लिटिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ. जो वर्ड लिटिल होता है वो किसका एग्जाम्पल है? क्वान्टिटी, चीज कम है. सो एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी. सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव गिवन बिलो. आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं. आई रिस्पेक्ट डैश पेरेंट्स. पेरेंट्स कैसे होते हैं? माय. ऑनेस्टी इज द डैश पॉलिसी. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? बेस्ट. सो बेस्ट इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज योर नेम? सो योर. द गोट इज अ डैश एनिमल, पैट एनिमल. इस तरह से आप रेस्ट क्वेश्चन भी फिल करेंगे. देन सी, underline the adjectives. Write I for interrogative, P for possessive adjective. Interrogative के लिए आपको I लिखना है and possessive के लिए आप P लिखेंगे. What time is it? Time क्या हुआ है? So interrogative. Money is playing with her doll. Money अपनी doll से खेल रही. तो देखो doll noun से पहले her लिखा हुआ है, her use हुआ है. So her क्या होता है? मैंने क्या बताया था आपका? her क्या हुआ है? Possessive. So possessive adjective हुआ. विच बॉय ब्रोक द बेंच? क्वेश्चन पूछा है विच. सो इंटरोगेटिव. दिस इज़ माई मोबाइल. मोबाइल नाउन है, नाउन से पहले माई यूज़ हुआ है, विच इज़ पोजेसिव. सो इट्स पोजेसिव एडजेक्टिव. आई हैव लॉस्ट माई न्यू बुक. सो आई हैव. बुक क्या है आपकी? नाउन. नाउन से पहले न्यू है ना, माई न्यू. सो माई क्या हुआ आपका? पोजेसिव. सो पोजेसिव एडजेक्टिव. इस तरह से आप 6, 7, 8 भी फिल करेंगे. अंडरलाइन द एडजेक्टिव एंड राइट देयर काइंड्स. आपको एडजेक्टिव पे अंडरलाइन करने हैं. सो फ्यू, मैन कैन कीप अ सीक्रेट. फ्यू इज एडजेक्टिव. कैसा है फ्यू? क्वांटिटी बता रहा है. सब क्वांटिटी. एलिफेंट हैज हार फोर लेग्स. दिस वन इज, ये आपका मिसप्रिंट है, ये फोर होगा. ओके सो एलिफेंट हैज़ फोर लेग्स. एलिफेंट्स के कितने लेग्स है? फोर. तो फोर इज एडजेक्टिव एंड फोर क्या है? नंबर. राइट सो क्वांटिटी. एनोज इज अ गुड बॉय. बॉय कैसा है? गुड. गुड क्या है? क्वालिटी है उसकी. सो क्वालिटी इज द करेक्ट आंसर. इज अ काइंड. हूज बाइसिकल इज दिस? हूज क्या है? इंटरोगेटिव काइंड. ओके दीज आर ब्लैक कोर्स. दीज एंड दीज कौन सा काइंड है? डेमोन्स्ट्रेटिव. ओके Then the donkey is a foolish animal. Animal कैसा है? Foolish. Foolish क्या है? उसकी quality. So just like this 7 to 10 आप self करेंगे. Pick out the adjective of quality in the following sentences. आपको इस sentences में adjective of quality find out करनी है, क्या होती है.
सो बीरबल वॉज अ वाइस मिनिस्टर. मिनिस्टर कैसा है? वाइस. सो क्या है इसका करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? वाइस. इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री. इंडिया कैसी कंट्री है? लार्ज. सो लार्ज इज़ द क्वालिटी. दिल्ली इज़ अ बिग सिटी. सिटी कैसी है? बिग. सो बिग इज़ द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सो जस्ट लाइक दिस फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स डू योर सेल्फ देन मैच द फॉलोइंग. पुअर. पुअर क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. इनफ क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी. क्वान्टिटी बता रहा है हु. क्वेश्चन पूछा है इंटीरोगेटिव. आर. आर पोजेसिव होता है, बताया था मैंने आपको. सो दिस वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव. जी क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज द एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या होता है? द वर्ड विच डिस्क्राइब द नाउन एंड प्रोनाउन. जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव होते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के एनी टू एग्जाम्पल मैंने राइट किए हैं ब्यूटिफुल एंड ऑनेस्ट. आप कुछ भी राइट कर सकते हैं. राइट टू एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर मैंने राइट किए हैं टू एंड फोर. आप अगेन कुछ भी राइट कर सकते हैं एनी ऑफ द एग्जाम्पल. सो नाउ योर चैप्टर इज कम्प्लीट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.